नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। लखनऊ में प्रसपा संस्थापक शिवपाल यादव ने जन्माष्टमी पर यदुवंशियों को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पिता को छल बल से अपमानित कर पद से हटाने वाले कंस को दंड देने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रसपा भी ऐसी ही विराट नीतियों और विधान का परिणाम है। खबर नोएडा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अध्यक्ष के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि उस पर किसान यूनियन की आड़ में अवैध कब्जा करने का गंभीर आरोप लगा है। वहीं जमीन मालिक के विरोध करने पर दबंगों से पीड़ित पर तमंचे से कई राउंड फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश करी है, जिसके बाद पीड़ित ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। लखीमपुर खीरी की नवीन मंडी में चल रहे संयुक्त किसान मोर्चा का धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने धरना करने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर धरने की समाप्ति की घोषणा की। सरकार से लोग नाराज हैं, आप या तो ठीक काम करो नहीं तो ये आंदोलन पूरे देश भर में जारी रहेगा। विजय जी, आपके एक बयान को लेकर के जिले में काफी रोष व्याप्त है, जिसको लेकर के लोगों ने कोतवाली में तहरीर दी। हाँ, तहरीर दी, हम भी तहरीर देंगे। जिसने भी हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के करा है उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी। हमारा 5 मिनट 32 सेकंड का बयान है, उस बयान को पूरे को दिखाओ, और जिसने उस बयान में छेड़खानी करी है वो उसके उन्हीं कानूनों के तहत उनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। खबर अमेठी जिले के तिलोई तहसील से है, जहां जमीनी विवाद के चलते अधेड़ की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस पर परिजनों का आरोप है कि विपक्षी पक्ष लगातार हत्या की धमकी दे रहा था, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में की थी। इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पर नाराज परिजनों ने लाश को साथ ले जाने से मना कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस महानिरीक्षक ने मुआयना कर परिजनों से बात की, साथ ही मामले पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। हमारे चाचा खेत से आ रहे थे, उन लोगों ने कहा पहले बनवा लेंगे, जबरदस्ती प्रशासन ने खड़े होके बनवाया है और हमारी दीवार प्रशासन ने खड़े होके तोड़वा दिया। प्रशासन खड़े होके बनवाया और उसके बाद बोले कि घर बन जाएगा। पुल से खींच के ले जाए, टर 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 टर, वैसे ने ले जाके थाने में जला दिए हमारे भाई का, ले जाके जो है लाश को जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती उठा ले गए हैं जो है। यहाँ पे एक घटना घटी थी जिसमें कि पटीदारी में ही आपस में एक आबादी की जमीन को लेकर के विवाद हो गया था और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई उस घटना में। तो आज मेरे द्वारा यहाँ पे आकर के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई, उनसे मैं मिला हूँ। उन लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं जो उनको लगता है कि पुलिस ने निष्पक्ष तरीके से काम नहीं किया, तो उन सारे पहलुओं को लेकर के हम लोग जांच भी करेंगे। कोई जांचिंग कर दी जाएगी, जो दोषी होगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। खबर गाजियाबाद के सिहानी गेट से है, जहां पुलिस ने 8 छात्र बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सभी गिरफ्तार बदमाश तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 लैपटॉप, 6 मोबाइल और 20,000 नगद के साथ अवैध असलहा भी बरामद किया है। गाजियाबाद पुलिस के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में पिछले हफ्ते कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें कि जो लग्जरी कार्स होते हैं उनके शीशे तोड़ के उसमें जो लैपटॉप बैग और जो कीमती सामान होते हैं वो चोरी कर लिए जा रहे थे। इसमें तुरंत ही हमने एक टीम बना दी गई थी, जिसमें कि एक गिरफ्तारी हमने 2 दिन पहले करी थी और कल हमने इसमें पूरा गैंग का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें हम लोगों ने 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी है, जिसमें कि 7 लोग तमिलनाडु के तिरची नगर के रहने वाले हैं और बाकी 1 कर्नाटका के रहने वाले हैं। इनके पास से हम लोग के 5 लैपटॉप्स, 2 टैब, 5 मोबाइल फ़ोन्स, 20,000 रुपये नकदी और घटना में प्रयुक्त गुलेल और उसके छर्रे बरामद हुए हैं।
खबर देवरिया से है, जहां भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को भक्तों और श्रद्धालुओं ने बड़े ही धूमधाम से मनाया और हजारों भक्तों ने शिव मंदिर को बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजाकर जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास और आनंद से मनाते हुए कन्हैया के जयकारे लगाए। वहीं कार्यक्रम के दौरान युवाओं, बच्चों और महिलाओं सहित हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई। खबर गाजीपुर से है, जहां जीआरपी ने कामाख्या एक्सप्रेस से 626 कछुए बरामद किए हैं। इस दौरान जीआरपी ने कछुआ तस्करी करने वाली दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया। पकड़ी गई महिलाएं सुल्तानपुर के कछुआ लेकर असम के जलपाईगुड़ी जा रही थी। पुलिस ने बरामद कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया है और पकड़ी गई महिलाओं के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सूचना पर मैं अपने हमराह कर्मचारी गणों के साथ आरपीएफ को लेकर उस बोगी में पहुंचा तो देखा कि काफ़ी मात्रा में गठरियां रखी हुई हैं। उक्त गठरियों को मेरे द्वारा खोलकर देखने का प्रयास किया गया, मेरे हमराह द्वारा और मेरे द्वारा, तो वहां बैठी दो महिलाओं द्वारा अपना उसे बताते हुए उसे खोलने का विरोध किया जाने लगा। उसी दरम्यान मेरे द्वारा जो है एक कोठरी को खोल ही दिया गया तो उसमें कछुए भरे पाए गए। इसके आधार पर महिला को महिला आरक्षी द्वारा आदेशित करते हुए दो महिलाएं हैं, इन्हें ट्रेन से उतार लिया गया और इन्हीं 2500 जो सीट के नीचे रखी हुई बोरियां थीं इन्हें प्लेटफॉर्म पर उतार लिया गया। इसे खोलकर देखा गया तो इसके अंदर से 626 नग जो है कछुए बरामद हुए हैं। हरदोई में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा अभी तक आजादी की राह देख रही है। आपको बता दें कि 2 साल से कलेक्ट्रेट के सदर मालखाने में नेताजी की प्रतिमा कैद है। वहीं इस प्रतिमा को आजाद कराए जाने को लेकर पिछले एक हफ्ते से शिवसेना के लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि प्रतिमा को उसके सही जगह प्रशासन की ओर से लगवाया जाना चाहिए। तो नेताजी की प्रतिमा को सही जगह पर लगाने की मांग करी जा रही है। हरदोई से एक खबर सामने आ रही है, जहां शिवसेना द्वारा मांग करी जा रही है पिछले एक हफ्ते से कि नेताजी की मूर्ति को सही जगह पर स्थापित कराया जाए। आपको बता दें कि नेताजी की प्रतिमा आजादी की मांग कर रही है। 2 साल से कलेक्ट्रेट के अंदर मालखाने में नेताजी की प्रतिमा कैद है। वहीं इस प्रतिमा को आजाद कराए जाने को लेकर पिछले एक हफ्ते से शिवसेना के लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है जिला प्रशासन के लिए। पूरे जिले की जनता इस बात को लेकर दुखी है कि नेताजी जिनकी आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान है और उनकी प्रतिमा मालखाने में कैद है। आज़ादी का हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पूरा देश हर्षोल्लास मना रहा, लेकिन नेताजी की जो दुर्दशा प्रतिमा की है इसके लिए जिला प्रशासन को सचेत जाना चाहिए। हम लोग 3 दिनों से आमरण पर हैं। 18 जुलाई से हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था और तीसरा दिन आज हमारे आमरण अनशन का है। जब तक प्रतिमा स्थापित नहीं होगी हम लोगों का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। खबर अयोध्या से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। जब उप मुख्यमंत्री का काफिला राम मंदिर की तरफ जा रहा था उसी दौरान कुछ दुकानदारों ने उन्हें रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने नगर निगम और पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र भी उप मुख्यमंत्री को सौंपा है। परिवर्तन विभाग वाले कहे थे कि वो उसके इधर लगा दीजिए शौचालय का, हम लोग ठेला इधर लगाए भी हैं, इसके बावजूद भी वो आते हैं। प्रशासन वाले पुलिस वाले उठवाया गाड़ी से मारते गया, एक बार कुछ भी नहीं कहा कि ठेला बंद कर दो या पीछे कर दो। यहाँ तक कि हम कुर्सी हमने उठाया जैसे बचने के लिए तो कुर्सी पर मार दिया, कुर्सी भी टूट गया, कई लोगों को मार दिया, जो चोट लग गया है। मारे हैं कि ठेला किनारे कर लो, उसके बाद हम नहीं हटाए, बगल में आके मार दिए, फालतू मारे हैं, किस लिए मारे हैं ये बताइए बस। खबर यूपी के हमीरपुर के सदर कोतवाली से है, जहां जिला सत्र न्यायालय की महिला जज ने एक अधिवक्ता पर छेड़छाड़ और अश्लीलता करने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। महिला जज ने बताया कि अधिवक्ता मोबाइल पर मैसेज भेजता और पीछा करके कमेंटबाजी करता था, जिससे आजिज आकर महिला ने तहरीर देकर अधिवक्ता पर मुकदमा दर्ज करवा दिया।
कि एक हमारे बार के सदस्य हैं मोहम्मद हारून, उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट श्रीमती हर्षिता मैडम ने एक छेड़खानी की रिपोर्ट लिखाई है और हम ये जो हारून द्वारा कृत्य किया गया है हम उसका घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। हम ऐसे अधिवक्ता के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। देखिए, जो हमारे स्थानीय जुडिशल अधिकारी हैं उनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इसमें आरोप लगाया गया है कि एक वकील जो है उनको लगातार घूर रहा है और उनका पीछा कर रहा है। जब वो टहलने भी जा रहे हैं तब भी उनका पीछा कर रहा है। उनकी एप्लीकेशन प्राप्त होने पर तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और इसमें जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत संगम नगरी प्रयागराज में विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर 3 दिवसीय छाया चित्रों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस छाया चित्र प्रदर्शनी में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की तस्वीरों को प्रमुखता से जगह दी गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर यहाँ पर 3 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें विभिन्न पहलुओं आयामों को दर्शाया गया है, जिसमें आज़ादी के अमृत महोत्सव में कैसे लोगों ने राष्ट्रध्वज को सम्मान किया, कैसे लोगों ने अपने घरों पर तिरंगे लगाए, कैसे सरकारी कार्यक्रम हुए और विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया है। कन्नौज में मंत्री अनिल राजभर जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्हें अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 75 साल की कमियां पूरी कर रही है। साथ ही मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों पर बोलते हुए मंत्री राजभर ने कहा कि सरकारी एजेंसी पर इतनी जल्दी आरोप नहीं लगना चाहिए, उन्हें काम करने देना चाहिए, जो सही है वो सामने आ जाएगा। जो ये तमाम जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाने का जो संकल्प उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है, योगी जी की सरकार ने लिया है, तो आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से चाहे पैरा मेडिकल स्टाफ हो चाहे डॉक्टर्स हो, उनकी भी कमी सरकार दूर करेगी। तो क्या है, 75 साल में लोगों ने किया क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मेडिकल कॉलेज हैं? जब मेडिकल कॉलेज आप नहीं बनाएंगे तो डॉक्टर कहाँ पैदा होंगे? हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ कहाँ पैदा होगा? तो इसीलिए तो श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि हर जिला मुख्यालय पर हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हम बनाएंगे, हम पैरा मेडिकल स्टाफ बनाएंगे। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।